हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। विक्टी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग है विक्टोरिया मेमोरियल, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हावड़ा ब्रिज। दोस्तों मैं विक्टोरिया मेमोरियल के पास आ गया और टिकट लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं टिकट काउंटर। दोस्तों तो देखिए ये मैंने 3 टिकट लिया है और ये मेरे फ्रेंड्स है। दोस्तों यहाँ पे गार्डन और म्यूजियम का टिकट मिलता है, तो हम लोग म्यूजियम और गार्डन दोनों लिए हैं। उसका प्राइस है 30 रुपीज़ और जो गार्डन का है ऑलनी उसका प्राइस है 20 रुपया। और यहाँ पे टिकट दिखाकर अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं विक्टोरिया के अंदर आ चुका हूँ और आप सभी को दिख रहा होगा लाइन बाई लाइन स्टैचू है। हर स्टैचू के ऊपर उसका नाम लिखा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। ये सामने एक खूबसूरत सा बिल्डिंग दिख रहा है, इसका नाम है द 42। ये सामने एक खूबसूरत सा स्टैचू दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम का राजा है। यहाँ से इसका लुक देखिए, बिल्कुल ताजमहल का जैसा मिलता जुलता है। और इसमें जो पत्थर यूज किया गया है वो संगमरमर का पत्थर यूज किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल ये 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था। ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की महारानी विक्टोरिया के समर्पित को समर्पित है। और यहाँ से इसका व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया के मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि देवांत रानी के लिए एक सम्मार्ग बनाया जाए। 1906 में प्रिंस ऑफ विल्स ने विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी थी और इसे 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकला विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन की गई थी। स्मारक ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला के मिश्र को प्रदर्शित करता है और इसका निर्माण सफेद मकराना संगमरमर से किया गया है। तो दोस्तों ये 3 लुक से दिखता है। पहला लुक तो आपको दिखा चुका हूँ और ये सेकेंड लुक है। विक्टोरिया मेमोरियल के गुंबद के ऊपर एंजल ऑफ मिट्री की आकृति है। और ये है महारानी विक्टोरिया की उमरकल की स्टैचू। तो फ्रेंड्स अब मैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जा रहा हूँ और आप सभी को दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये है इसका 3rd लुक जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि सोमवार को बंद रहता है। तो दोस्तों यहाँ से इसका व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे दोस्तों। और यहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बहुत कम लोगों को पता है कि
यह विक्टोरिया मेमोरियल के पहले यहाँ एक प्रेसिडेंसी जेल थी और इस जेल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैद थे। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है? हेलो, ये मनीष और डोरा। और ये राजा महाराजा का ड्रेस और ये इनफील्ड गन। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी जो कि इतिहास को दर्शाता है। और आप ये देख रहे हैं, यही ओरिजिनल मॉडल है विक्टोरिया मेमोरियल का और ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। यह पेंटिंग दुनिया के सबसे बड़ी पेंटिंग में से एक है जिसमें जयपुर से गुजरते हुए एक राजा का जुलूस दिखाया गया है। और दोस्तों ये पियानो है। दोस्तों आप ये जहाज देख रहे हैं, अंग्रेज एक्चुअल में ये जहाज हुगली नदी में यूज करते थे और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग जामा मस्जिद से गुजरते हुए जुलूस को दिखाती है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी गैलरी हैं और आपको दिख रहा होगा एलईडी के माध्यम से इतिहास बताया जा रहा है। नेताजी इन बार्लिन 1942। दोस्तों इस रूम का बात करें तो सेम उसी रूम का जैसा है, बस इसमें कुछ पुराने तस्वीरें लगा दी गई हैं। और आप ये एलईडी देख रहे होंगे, इसमें इस महल का सारा हिस्ट्री है जो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ के सेंट्रल रूम में जो म्यूजियम है। तो दोस्तों आप इसकी बनावट देखिए, यहाँ मुगल और ब्रिटिश मिक्स कल्चर मिलेगा और बहुत ही शानदार बना हुआ है। और ऊपर जाना मना है दोस्तों, नहीं तो हम ऊपर जाके आप सभी को दिखाते हैं। जापान में जन्म 16 वर्षीय भारतीय लड़की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा कैसे बनी? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो हमें भारत का इतिहास दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ भी एक रूम है जिसके अंदर हम जा रहे हैं और इस रूम में आप आओगे तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इसका डिजाइन लगा। और इसका ऊपर का डिजाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से आप सभी को लुक दिखाऊंगा। वाओ, गजब, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। और नीचे देखिए छोटा मिसाइल का डेमो। तो दोस्तों मैं गैलरी में आ चुका हूँ और आप देख रहे होंगे कितना शानदार व्यू आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस रूम के अंदर 1857 से 1947 तक का इतिहास मिलेगा और आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत पुराने पिस्तौल है और उनके बुलेट भी। और ये कौन सा राइफल है आप सभी को पता है तो कमेंट करके बताएं। तो
दोस्तों ये आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा है और ये 1931 का तिरंगा है भारत का, और ये लाल किला का तस्वीर है, सेलुलर जेल का तस्वीर है, और ये फाइट फॉर फ्रीडम का तस्वीर है। और ये पिस्तौल देख रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह 1930, और ये भारत का 1906 का तिरंगा है। और ये है बाहर जाने का रास्ता, तो यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। तो गाइस आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।